उत्तराखंड में कोरोना से हुई अब तक 5,000 मौतों के बाद अब शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण इलाकों की स्वास्थ्य व्यवस्था भी बदल रही है। डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पक्ष विपक्ष सभी अपने अपने क्षेत्र में जुटे हुए हैं। सरकारी अस्पतालों में मुख्यमंत्री, विपक्ष और हमारे द्वारा हुए देखिए रियलिटी चेक। अच्छा चल रहा है, अंदर पीपी किट पहन करके आते हैं क्या? आते हैं ना। गुड गुड गुड। भोजन आदि का क्या रहता? ठीक है, बढ़िया। चलिए मैं बात करता हूँ। तो बाकी तो भोजन ठीक है, दवाइयाँ आदि सब ठीक मिल रहे हैं समय पे? राउंड पे सब आ रहे हैं ना एम डॉक्टर? ठीक है, चलिए खुश रहो, स्वस्थ रहो, जल्दी स्वस्थ हो जाओ, फिर उसके बाद मिलता हूँ। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत के सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण किया। आइए दिखाते हैं रियलिटी चेक में मुख्यमंत्री को क्या मिला। उन्होंने कई मरीजों से बातचीत भी की। दवाइयाँ समय पे मिलती है, खाना मिलता है, कितने टाइम? डॉक्टर आती है सब समय समय पे? कितने दिन में कितने बार आ जाते हैं? तीन बार। चलिए अब महसूस अच्छा महसूस सब ठीक है ना? ठीक है ना। देखो आपकी चिंता करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं खुद जाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके पास में, माननीय सांसद साहब आपके पास में। सब भला चला, ठीक है, टेंशन नहीं करो सर। डॉक्टर लगी हमारी, हमारे भाई जो नर्स वर्स सब बहने लगी हमारी, सब डॉक्टर की टीम लगी। स्वस्थ जल्दी हो जाइए, हमारी चुप कर, ठीक है, हिम्मत नहीं आती, ठीक है ना? पूरी तरह ठीक है। दूरस्थ इलाकों में विपक्ष भी अपने अपने क्षेत्र में अस्पतालों की दशा सुधार रहे हैं। जिंदगी बचाने के लिए जागेश्वर विधानसभा के विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने धौला देवी ब्लॉक के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का बीड़ा उठाया है। कई लोगों की जाने गई हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए 50 लाख रुपया विधायक इससे दे करके एक ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर दिया गया है, जिसका आज शिलान्यास हुआ है और 2-3 दिन में उसमें निर्माण कार्य शुरू हो रहा है और 4 हफ्ते में ये प्लांट बन करके तैयार हो करके चालू हो जाएगा, जिससे यहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी। अगला रियलिटी चेक में सुशीला तिवारी अस्पताल के डॉक्टर भी गंभीर मरीजों को ठीक करने के लिए बाढ़ वाय नहीं होने पर खुद स्ट्रेचर पर ले जा रहे हैं। मौत की सैया से उठकर मरीज स्वस्थ होकर डॉक्टरों को देखिए कैसे शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मैं नंदन सिंह बिष्ट, मैं यहाँ पर बेहोशी की हालत में आया हुआ था। कत्ती की मैं बिल्कुल परेशान हो रहा था, मतलब कि तड़प रहा था मैं, और मुझे यहाँ पर डॉक्टर साहब ने इतनी हेल्प करी कि मुझे मतलब कि आज मैं अपने कामयाब हो गया हूँ, अपने अपनों हो गया। यहाँ पर डॉक्टर साहब इतना अच्छा है, जो बेचारे मतलब उठा के लोगों को उठा के सबको बिल्कुल एक एक चीज़ के लिए उठा के खिला के बिल्कुल तब जाके अपना देखते हैं, उसके बाद भी 24 घंटे बिल्कुल लगे रहते हैं सेवा में। नर्सिंग स्टाफ इतना अच्छा है कि उन बेचारों का तो कुछ कहना ही नहीं है, वो तो कहने से पहले आ जाते हैं, बहुत अच्छे बेचारे पूरा स्टाफ। और स्टाफ इतना अच्छा है कि डॉक्टर्स तो इतने अच्छे हैं कि आप क्या बताएं, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं आज स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ, मुझे खुशी है कि हर कोई यहाँ से ऐसी खुशी रहा है। कई लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण हालांकि मौत भी हुई है, लेकिन जिनका जीवन बचा है वे डॉक्टरों को भगवान का दर्जा भी दे रहे हैं। अगर आपके पास भी ऐसी ही पॉजिटिव जानकारी हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल पर साझा करें, जिससे हम देश दुनिया में हो रही अच्छी बातों को भी आप तक पहुंचा सकें।